عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا سل يا آدم محمد السلام عليك يا رسول गुड मॉर्निंग फ्रॉम अननाउन प्लेस। रात को ईरान में सहरा के अंदर जो है वो खेमा लगाया और ईरान के अंदर आबादी इतनी दूर दूर है कि यहाँ पर जल्दी आबादी नहीं आती और जब आबादी नहीं होती तो सहरा के अंदर खेमा लगाते हैं तो फिर पता नहीं पड़ता कि आबादी जो है वो कौन सी है। तो रात को -2 जो है वो टेम्परेचर था और रात -2 में गुजारी। ये आप देख सकते हैं जी कि हमारे टेंट के अंदर जो है वो माशाल्लाह बर्फ जो है वो जमी हुई है, ये आपको सारी नजर आ रही है और अभी जो है ये मेल्ट होके जो है वो नीचे गिर रही है। ये देखेंगे ठीक है जी बर्फ। तो रात -2 में गुजारी, हालांकि अभी भी जो है वो -2 टेम्परेचर है लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी कि रात जो है वो अच्छी गुजर गई। बस अभी थोड़ा सा जो है वो हम सूरज के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही बस अभी सूरज निकलता है तो इंशाल्लाह जी फिर अपने सफर का आगाज करते हैं। तो सुबह का नाश्ता जो है वो हम लोग कर रहे हैं, ये रोटी है जो रात को हम लोगों ने खाई थी और वही रोटी है और माशाल्लाह रोटी इस टाइम सीधी नहीं हो रही सर्दी की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है वो खा रहे हैं और अकेली रोटी खा रहे हैं, मतलब इसके साथ फिल वक्त जो है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बस रोटी खाने के बाद सफर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफर उकाड़ा से मक्का मुकर्रमा का आज डे 48 है जी। खेमा वगैरह जो है वो हमने समेट लिया है और समेटने के बाद जो है वो बैग शैग जो है वो पहन लिए हैं जी और अब जो है वो अपने सफर का आगाज करने लगे हैं। और ये खालिद साहब और ज़िशान भाई जी आप देख रहे हैं और ये पीछे वो जगह है जी जहाँ पर रात को हमने खेमा लगाया था और -2 टेम्परेचर में जो है वो रात गुजारी थी। तो अभी सूरज जो है वो निकल चुका हुआ है जी, अभी अपने सफर को जो है वो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सामने वो जगह है जी, ये जगह जहाँ पर रात को जो है वो हमने खेमा लगाया था और ये आप लोग देख सकते हैं जी कि चारों तरफ जो है वो सहरा है, वीराना ही वीराना है, कोई आबादी नहीं है। वो सामने जो है वो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं लेकिन वो भी अभी थोड़े दूर हैं और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वीराना है, कोई आबादी जो है वो नहीं है। तो ईरान के अंदर जी यही मसला है, एक तो आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है और दूसरा ये है कि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, जब अल्लाह पे यकीन करके तवक्कल करके आप लोगों ने सफ़र शुरू किया होता है और सफ़र कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। सामने पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है लेकिन ये अभी करीब जाके पता चलेगा जी कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये कितने किलोमीटर्स पर है। ईरान, जब से ईरान दाखिल हुए हैं तो मुकम्मल ईरान के अंदर पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं, अभी तक भी साथ हैं। अब ये देखेंगे जी कि पहाड़ जो हैं वो कहाँ से जाकर जो है वो एंड होते हैं। अगर आपने गुल गौहर जाना है और कुतुरैया जाना है तो फिर आप वो जो दूसरा रोड ये आप सामने देख रहे हैं इसी रोड पे आप लोग सीधा जाएंगे और अगर आप लोगों ने सिर्फ जान जाना है तो फिर आप लोग आगे से टर्न लेके ये रोड जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये जो रोड आपको सीधा दिखा रहा हूँ, आगे से टर्न लेकर आप लोग इस रोड पर आएंगे और फिर आप लोग जो है वो सिर जान जाएंगे। पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं जी दोनों साइड पर जो है वो पहाड़ शुरू हो चुके हैं और ये सामने कोई काम जो है वो हो रहा है। अब इतनी दूर से पता नहीं चल रहा जी कि क्या काम जो है वो चल रहा है लेकिन ये पहाड़ों के अंदर कुछ ना कुछ काम जो है ये लोग वगैरह कर रहे हैं और सफ़र जो है जारी है और आगे बढ़ रहा है। सफ़र जारी है और एक तरफ जो है पहाड़ नज़दीक हैं और दूसरी तरफ जो है वो सहरा नज़दीक है जी, कैसी बात है। और ये अगर आप लोग देखें जी तो ये कोई प्ले लैंड लगता है
जो कि ये लोग बना रहे हैं। और ये मस्जिद लगती है जी, बल्कि मस्जिद है। और ये देखें जी, इन्होंने घड़ी भी बनाई हुई है। तो ये यहाँ पर लगता तो यही है कि प्ले लैंड जो है बना रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे इतनी दूर बिरानी के अंदर प्ले लैंड बना रहे हैं, इसकी जी कोई समझ नहीं आई। बहरहाल सफ़र को आगे दोबारा शुरू करते हैं। देखें जी, सामने ईरान की जो ट्रेन है वो जा रही है, लेकिन ये माल गाड़ी है, यानी कि जिस ट्रेन में माल जाता है ये वो वाली ट्रेन है। अब पता नहीं आगे जो है वो किधर को जा रही है। चलता जा रहा हूँ जी, चलता जा रहा हूँ, सफ़र जारी है। और ये सोचकर जो है सफ़र जारी है कि इंशाल्लाह इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन सामने खाना काबा होगा, और पहली नज़र जब पड़ेगी तो वो क्या मंज़र होगा, और वो कैफियात ना तो अभी बयान की जा सकती हैं और ना ही शायद जो है मैं उस वक्त बयान कर सकूं। सफ़र जारी है। कुछ देर आराम करने के लिए रुके हैं जी, पुल है सड़क के ऊपर, जो पुल बना होता है वहाँ जो है वो बैठे हैं, जो है वो 10 से 15 मिनट यहाँ पर बैठेंगे, और उसके बाद जो है फिर यही सड़क है जो कि आगे जा रही है, और इसी सड़क पे फिर जो है वो चल पड़ेंगे। भूख लग रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा जो है वो खाना खा लें, और अल्हम्दुलिल्लाह रोटी जो है वो रात वाली पड़ी हुई है, ये सख्त भी काफ़ी हुई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो खाएंगे। इसके साथ सिर्फ जो है वो हॉट सॉस मौजूद है, उसको लगा कर जो है इंशाल्लाह ये भी रोटी खाते हैं। खाना खाने के बाद सफ़र शुरू कर दिया था जी, और ये बाघ आया है कोई जी, बाएं हाथ में मेरे बाघ आया है, लेकिन इस पर लगा कुछ भी नहीं हुआ, ये किसी चीज़ का जो है यानी किसी भी फ्रूट वगैरह का कोई बाघ होगा, लेकिन इस वक्त सीज़न नहीं होगा तो इसलिए इस पर लगा कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल। सफर जारी है और शाम होने वाली है, ये आप सामने देख सकते हैं जी, ये एक ट्यूबवेल टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें से जो है पानी जो है वो निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। शाम हो चुकी हुई है और सूरज आप लोग सामने देखें तो बिल्कुल डूबने वाला है,
और चारों तरफ अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वीराना है, ये पहाड़ जो हैं पीछे हैं, और ये अगर आप लोग देखें जी तो ये हमें एक जो है वो कमरा मिला है, इसका दरवाज़ा भी नहीं है, और ये जो आप ये विंडो देख रहे हैं इसका भी शीशा जो है टूटा हुआ है, एक वो सामने विंडो आप देख रहे हैं जी उसका भी शीशा टूटा हुआ है, लेकिन ये है कि ऊपर छत है। आज जो है वो हमने टेंट जो है यहाँ पर लगाया है, चूँकि कल और परसों बारिश का मकान है, तो मकान ये भी है कि बारिश जो है वो रात को भी हो सकती है, तो टेंट हमने इसके अंदर लगाया है ताकि अगर बारिश होती भी है तो ऊपर जो है वो छत है जी, एक तो ये वाली भी है और इसके ऊपर जो है वो ये छत भी है, तो अगर बारिश होती है तो वो हमारा जो है वो बचाव हो सके। और टेंट जो है जी वो अंदर लगा चुके हैं, इंशाल्लाह आज की रात भी जो है वो टेंट में गुजरेगी। तो अब हवा जो है इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ठंडी जो है वो चल रही है, और हवाओं का तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि हवाएं तो यहाँ पर ठंडी ही चल रही होती हैं और बहुत ठंडी चल रही होती हैं, इस वक्त भी काफ़ी ठंडी चल रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान। अच्छा जी, पहले जो मैंने आपको जगह दिखाई है अभी कि जहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगाया है, ये सामने आप लोग इस वक्त कैमरे में वो जगह देख रहे हैं, और ये किधर गए जी, हाँ जी ये भाई जाते हुए भी आप देख रहे हैं, ठीक है जी। अभी जैसे ही मैंने अल्लाह हाफिज़ बोला था तो ये भाई वहाँ पर आए और इन्होंने कहा जी कि यहाँ से आप अपना टेंट उठाएं और ये जगह ठंडी है, यहाँ पर जो है वो अपना टेंट आप जो है वो मत लगाएं। ये आप चेक करें जी कि हम जो है वो कहाँ पर आ चुके हैं, भाई जो हैं वो ये जा रहे हैं, अभी ये दोबारा आएंगे तो मैं दोबारा इनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। तो इन्होंने कहा जी कि ये जगह है, इन्होंने कहा जी ये जगह है, आप यहाँ पर आएँ। हम यानी कि वहाँ पर थे, ये यहाँ पर थे, और वहाँ से हमने अपना सारा कुछ लगा लिया था, टेंट वगैरह और टेंट वगैरह हर चीज़ यानी कि लगा के ओके था। फिर हमने वहाँ से अपनी सारी चीज़ें समेटी हैं, और सारी चीज़ें समेटने के बाद हमने जो है वो रोड क्रॉस किया है, और भाई हमें लेकर आए हैं यहाँ पर। यार मैं कहता हूँ कि मैं तो रब पर इतना ज़्यादा यकीन रखता हूँ और भरोसा करता हूँ कि रब जो है वो कैसे कैसे वसीले पैदा करता है ये कोई नहीं जानता, यकीन करें। ये देखें, मैंने पहले भी आपको दिखाया और अब भी दिखाता हूँ, आप देखें जी चारों तरफ जो है वो वीराना है, वीराना है, वीराना है, कोई चीज़ नहीं है। हमने लगाया था वहाँ पर सामने जो मैंने आपको दिखाया है, वो भाई हमें उठाकर यहाँ पर लेकर आए जी कि नहीं वहाँ पर सर्दी है आप इधर आए, और वहाँ पर तो हमने खेमा लगाया था, खेमे के अंदर सोना था सर्दी में। अब यहाँ पर जो है जी वो आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या किया है, और यहाँ पर ये देखें जी कैसा बेहतरीन किस्म का जो है वो उन्होंने जो है वो आग जला दी है हमें, और आग वगैरह जला कर वो गए हैं घर शायद खाना वगैरह लेने के लिए। तो फबी अल्लाह रब्बी कुमात कज़ीबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये होता है रब पर तवक्कल, के जब आपको रब पर यकीन होता है, तवक्कल होता है, तो रब वसीले कहाँ कहाँ से पैदा करता है आप नहीं जानते। तो हमने कहाँ सर्दी में सोना था, कहाँ अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर भेजा और वो हमें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आया जी। रब का जितना भी शुक्र अदा करें, सारी ज़िंदगी भी सजदे में मैं समझता हूँ कि पड़े रहें तो उसकी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। अब जो है जी वो हम लोगों ने यहाँ पर सोना है, ये जो है यानी कि कमरा है, रिशान भाई हैं, खाली साहब हैं, और ये कमरा है जी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इंशाल्लाह जो है वो बेहतरीन रात गुजरने वाली है, सुबह अब आप लोगों से मुलाकात होती है, बल्कि जब भाई आएंगे तो मैं उनसे आप लोगों की मुलाकात भी करवाता हूँ।